नमस्कार दोस्तों, आज हम चने की सब्जी बना रहे हैं। चने की सब्जी बनाने के लिए हमने चने को पहले भीगने रख दिया था। ये अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। हमें इसमें इतना पानी डालना है कि चने इसमें अच्छे से डूब जाए। अब हम इसे 3 से 4 सीटी के लिए अच्छे से कुक होने देते हैं। और ये चने बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने चने ले लिए हैं और ये आप देख ही सकते हैं कि चने बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। अब चने की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच राई डाल रहे हैं और 2 स्टीम कड़ी पत्ते की डाल रहे हैं। अब हम इसमें 8 से 10 कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। ठंडियों का सीज़न है तो अभी हमारे पास में मेथी के पत्ते, प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते अवेलेबल है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालिए, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे तेल में अच्छे से सौटे कर लेते हैं। हमने गरम मसाला घर में बनाया हुआ है, अगर आपके पास में कोई भी अवेलेबल है तो आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में हम इसमें 1 रफली चॉप टमाटर डाल रहे हैं। हमें टमाटर को सॉफ्ट होते तक के पकाना है। अब हमने जो चने बॉईल करके रखे थे इसमें हम डाल देते हैं और चने को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेते हैं। अगर आप इसमें धनिया पत्ता डालेंगे तो चने की सब्जी तो ऑलमोस्ट रेडी है, बट मुझे ग्रेवी पसंद है इसलिए हम इस पे 1 चम्मच चावल आटा ले रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और ये चावल आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे सब्जी में डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ और इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं और 8 से 10 मिनट के बाद में ये हमारी सब्जी बनके रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। गुड़ से जो है सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और ये चने की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।